हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लिटिल डिज़ायर पे। तो आज है ये हमारी ब्रेड से बनी स्वीट डिश, इजी और बहुत ही सिंपल सी स्वीट डिश है जो बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल लिटिल डिज़ायर को और साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। यहाँ मैंने ये लिए हैं ब्रेड के 4 स्लाइसेज हैं, इसके मैं जो एजेस हैं उसको रिमूव कर दूंगी। यही प्रोसेस आपको एक बार अगेन रिपीट करना है। यहाँ मैंने टोटल 8 ब्रेड यूज़ किए हैं, आप अपने यूज़ के अकॉर्डिंग आप इसकी क्वांटिटी घटाओ बढ़ा सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ ये ब्रेड का जितना भी वो किनारा जो ब्राउन वाला पार्ट है वो सारा निकाल दिया है। इसको फेंके नहीं फ्रेंड्स, इसको आप रख सकती हैं। मैं नेक्स्ट रेसिपी इसी के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए मैंने जो ब्रेड का बीच वाला पार्ट है इसको तोड़ करके छोटे छोटे पीस में कर लिया है और अब मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। ये दूध जो है मैं थोड़ा थोड़ा चम्मच से इसलिए डाल रही हूँ ताकि एक साथ ये जो है ज़्यादा गीला ना हो जाए। आप भी थोड़ा थोड़ा करके ही आप मिलाएं, अदरवाइज़ ये डो जो है थोड़ा पतला हो सकता है। ये देखिए हमने इसी तरीके से इसका डो तैयार कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगाऊंगी। एक्चुअली ये सॉफ्ट तो है बट ये घी लगाने से थोड़ा सा चिकना हो जाएगा और हाथों पे थोड़ा सा कम चिपकेगा। देख लीजिए अब मैंने ना इसको हाथों पे घी लगा करके इस डो को थोड़ा और सॉफ्ट करने की कोशिश की है। एकदम चिकना सा, पतला सा, अच्छा सा, स्मूथ सा इसका डो बनाना है हमको। ये देख सकते हैं, एक तो ब्रेड में वैसे ही सॉफ्ट होती है तो ये इजीली बन भी जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। थोड़ा टाइट ही रखना है इसको और मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ रही हूँ। आफ्टर 10 मिनट्स देखिए ये हमारा डो और अच्छे से एकदम तैयार हो गया है। और मैं यहाँ हाथों पे घी लगा के इसके छोटे छोटे पेड़े बनाऊँगी। पेड़े या फिर आप किसी भी शेप में आप राउंड कर सकते हैं इसको, स्क्वायर में अगर आप किसी चीज़ से काट सकें तो उससे काट सकते हैं। मैंने यहाँ ये वाला शेप तैयार किया है पेड़े की तरीके से और मैंने इसमें बीच में प्रेस इसको इसलिए कर दिया है, बीच में से गलती से भी ये कच्चे ना रह जाएं या फिर अच्छे से इसमें जो मीठा मैं इसमें ऐड करूँगी वो मिल जाए। ये देखिए मैंने इस तरीके का अपने सारे डो का जो है इस तरीके के बना लिए। अब मैं इनको डीप फ्राई कर रही हूँ। आप एक फ्राई पैन में कोई भी जो भी फ्राइड ऑयल होता है आप उसको डाल करके या फिर घी में किसी में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको जो है लो मीडियम फ्लेम पे ही आपको पकाना है क्योंकि इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है और अगर जब आप धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे तब ये थोड़ा इसमें क्रिस्पीनेस भी आ जाती है। देखिए मेरे सारे बन करके तैयार हो गए हैं। अब मैंने इसको एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के गोल्डन ब्राउन आपको फ्राई करने हैं ये डीप फ्राई। अब मैं इसका एक शुगर सिरप बनाने जा रही हूँ। मैंने एक पैन में लगभग एक बाउल ये मैंने चीनी ली है और आधा कप पानी, और मैं इसको अभी तो मैं तेज गैस पर इसको पकाऊंगी। एक बार एक बॉईल होने के बाद, चीनी मिलने के बाद आप गैस को थोड़ा मीडियम कर दें। ये देखिए फ्रेंड्स, आफ्टर 5 मिनट्स मेरी ये जो शुगर सिरप है इस तरीके का हो गया है कुछ। अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्लेवर और कलर ऐड करने के लिए थोड़ी सी मैंने इसमें केसर यूज़ करी है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर दें। आपके पास नहीं है तो आप एक अलग से इसमें बाउल में निकाल के चेक कर लें। यहाँ आपको एक तार की चाशनी रखनी है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एक से दो तार की चाशनी बस आपको रखनी है इसमें, जिसमें मैं हम इसे डिप कर दें तो ये अच्छे से इस पे चिपक जाए। ये देखिए अब मैंने जो पहले से पेड़े बना करके डीप फ्राई करके रखे थे वो चाशनी को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही आप इसमें ऐड करें, एकदम गर्म में ना करें। 5 मिनट इसमें चाशनी में आप डले रहने दें इनको और फिर उसके बाद आप निकालें इसे सर्व करने के लिए। और मैंने यहाँ कैश्यूज और आमंड के बारीक बारीक पीस करके इसको इसके साथ गार्निश किया है। अगर ये इजी से बनने वाली स्वीट डिश आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।